रोकथाम के लिए सामाजिक संस्थाएं भी अहम रोल अदा कर रही हैं। संस्थाओं द्वारा आह्वान किया जा रहा है कि कोरोना के प्रति पूर्ण रूप से जागरूक रहें और घरों में रहें। आपको बता दें कि कोरोना वायरस के चलते पूरे देश को लॉकडाउन किया गया है। साथ ही जनमानस से यह अपील की जा रही है कि लोग अपने घरों पर रहें और अकारण बाहर ना निकले, क्योंकि यह वायरस तेजी से फैल रहा है। सबसे ज्यादा सुरक्षित हमारा घर है, इसलिए सभी से यह आग्रह किया जाता है कि लोग अपने घरों पर रहें, बेवजह घरों से बाहर ना निकले। सरकार के साथ साथ सामाजिक संस्थाएं और जनप्रतिनिधि भी इस ओर अपील कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री एससी एसटी आयोग के सदस्य साध्वी गीता प्रधान द्वारा भी अपील की जा रही है कि लोग अपने घरों पर रहें और अकारण सड़कों पर ना निकले। मुरादाबाद से संवाददाता बासित अली की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साध्वी गीता प्रधान है। गीता प्रधान जी, जैसे देश के माहौल हैं, ऐसे माहौल में जो सरकारें कर रही हैं वो काबिले तारीफ है, तो आप अपनी तरफ से क्या कहना चाहेंगी आम जनता से? मैं तो पूरी आम जनता से एक ही निवेदन, एक ही प्रार्थना, एक ही अपील करना चाहती हूँ। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी भी बार बार जनता से आह्वान कर रहे हैं कि इस कोरोना रूपी महामारी से बचने के लिए हम सबके पास एक ही रास्ता है कि हम अपने घरों से बाहर ना निकलें और लोगों को भी हम बाहर ना निकलने की सलाह दें। और देश के प्रधानमंत्री ने जो आह्वान किया है उसमें हम सरकार और प्रशासन का भी सहयोग करें। जो गली मोहल्लों में प्रबुद्ध लोग हैं, मैं उनसे भी एक निवेदन करना चाहती हूँ कि एक ऐसी टीम बनाए कि जो लोग बाहर निकल रहे हैं उन्हें बाहर निकलने से रोका जाए और कोई बाहरी व्यक्ति हमारे मोहल्ले और गली में ना आए, क्योंकि इस कोरोना रूपी महामारी से बचने का एक ही उपाय है कि हम अपने घरों में सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित करने के लिए बाहर ना जाने की सलाह दें। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी और हमारे देश प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कंधा से कंधा मिला के आज जनता के बीच खड़े हैं। हमें ऐसे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है कि हम सबके लिए गर्व और सम्मान की बात है। मैं पूरे देश से पुनः अपील करना चाहती हूँ कि इस कोरोना रूपी महामारी से बचा जा सकता है और इसका बचने का सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय है कि अपने घरों में सुरक्षित रहें, अपने परिवार को सुरक्षित रहें और अपने आसपास के लोगों को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें बाहर ना निकलने की सलाह दें। अगर किसी चीज़ की आपको आवश्यकता है, जो भी ज़रूरी बस्ती हैं, ज़रूरत की चीज़ें हैं, प्रशासन और सरकार उन चीज़ों को आपके घर तक पहुंचाने का प्रयास कर रही हैं। ऐसी योजनाएं, ऐसी व्यवस्था सरकार ने कर रखी है, इसलिए मेरा सबसे पुनः आह्वान है, निवेदन है कि इस महामारी को भगाने के लिए हम सबके पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि हम अपने घरों में सुरक्षित रहें। अगर किसी ज़रूरी काम से हम घर से बाहर निकलते हैं तो मास्क का प्रयोग ज़रूर करें, अपने चेहरे पर कपड़ा, रुमाल या जो भी चीज़ आप बांधना उचित समझते हो अपने फेस पे बांध सकते हैं। और दूरी का विशेष ध्यान रखें, अगर कहीं जाते हैं तो कम से कम 1 मीटर की दूरी हम बना के रखें। मेरा सबसे निवेदन और प्रार्थना और आग्रह है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.